Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sign Nonstop. It's me guys Sweet Sanvi and you are watching Sign Nonstop. Guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, इंडियन डॉक्टर्स जो है वो पाकिस्तानियों की जान बचाने में लगे हैं और हमारे पाकिस्तानी इंडियंस को लूटने के चक्रों में लगे हैं। अभी हाल ही में जो पिछले दिन मैंने रिएक्शन वीडियो भी बनाई थी कि जो है ना पाकिस्तानी, ठीक है, तीन पाकिस्तानियों ने टर्की के अंदर जो है वो एक इंडियन को किडनैप कर लिया, पैसों का लालच ये वो सारा कुछ हुआ और वो सारा कुछ आप लोगों को पता नहीं पता तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अभी जो है ना हम लोग देखने लगे हैं उन लोगों के इंटरव्यूज और लोगों की ओपिनियन जानने लगे हैं पाकिस्तानी के इंडियन डॉक्टर्स जो हैं उनके दिल इतने हम्बल हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो पाकिस्तानी आ जाए उनके पास, उनके सामने कोई भी आ जाए, लाइक दुश्मन भी उनके सामने आ जाएगा तो वो उसको उसकी भी जान बचाएंगे, ठीक है, उसको मारेंगे नहीं। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रखा, मेरे फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं, बाई गॉड यू बिलीव हम लोगों से अच्छे हैं। केरला का डॉक्टर है मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई, पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आँखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मुसाम भी नजर आ रहे हैं। उनकी एज काफी ज्यादा है। इंडियन डॉक्टर था डॉक्टर कुलदीप। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमजान में भारत में इंडिया में दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाए। हेलो गाइज, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तानी चाचा का कहना है कि भारत के जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी मुसलमान से लाख गुना अच्छे हैं। मुझे हिंदू डॉक्टर के ऊपर जितना भरोसा है, पाकिस्तान के डॉक्टर के ऊपर उतना भरोसा नहीं है। हिंदू डॉक्टर ने मेरा इलाज किया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर सही सलामत खड़ा हूँ, मेरी जान बची है। पहले आप इनकी बातें सुनिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं, बाई गॉड यू बिलीव हम लोगों से अच्छे हैं। केरला का डॉक्टर है मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। अमेजिंग यार, इसमें क्या करूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई, पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टर की मेरे पड़ी हुई हैं और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं नहीं वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी किसी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ लूटेंगे। वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ, आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं? दुबई में है केरला और मद्रास? नहीं इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं दुबई में ये डॉक्टर हैं मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे। सही बात है, मेरे दांत का मसला था, ठीक है, और मुझे 6 माह तक डॉक्टरों ने जो है ना वो इंजेक्शन लगाए, ये किया वो किया, और अब कहीं जाके मेरे दांत ठीक हुआ है, रूट कैनाल होना था, ठीक है। बहुत जलील किया डॉक्टरों ने। क्या करेगा आदमी, MRI होती है और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी, वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े हैं आँखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मुसाम भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अंकल की एज काफी ज्यादा है, लेकिन उनकी नजर ठीक। कुलदीप NMC हॉस्पिटल में।
अच्छा एड्रेस भी पता है इधर, हम किस पर एड्रेस करें बताएं। ये झूठ नहीं है, सच है, उन्होंने एड्रेस ना हम सब कुछ बताया। अल्लाह ही आफत है हमारे मुल्क का, बेचारी लड़की का शर्म से सर झुक रहा है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का कितना नहीं, जमीन आसमान का 1 और 200 का फर्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो और 500 बार चीज निकलवाएंगे आपको दिखाएगा, आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ 2 बार, यार ये दिखा दो, ओ नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। मैं तो लो नहीं तो जाओ, ये करने जाते हैं हम भाई, देख लो जी बस। नहीं जाते तो हम वर्क वीजा लेकर है ना, क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं भाग आते हैं इधर, कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1-2 लाख दरम लिया भाग आए इधर खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज बुलाए हुए हैं वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है, मैं हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब एयरपोर्ट से निकलते थे ना हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था इंडियन, उसने नहीं पाकिस्तानी, उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने कोई भी देखा भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी भी हेल्प कर दो प्लीज। हाँ भीख मांगते वहाँ पे जाके, हाँ ऐसी न्यूज़ आई थी। आपकी आंखों देखा हाल है, आंखों देखा हाल है, वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे बता रहे हैं, कैसे इंडियन ने नहीं किया, मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊँ की आप भी रोए मैं भी रो वो बेचारा वो भी रोए, इंडियन नहीं करते थे भाई, गॉड खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है कोई नहीं देखा मैंने। बनेगा फिर हमारा, हमारा अभी बन गया ना सब कुछ बन गया, अभी जब मुल्क का बेड़ा गर्क खत्म हो गया तो ये ट्रैफिक हो चुका शुरू कर दिए अपने फॉलो करना सब सब, वहाँ पर चोरी शिकारी में नाम आते हैं, ड्रग सेलिंग में ये लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक, हाँ हाँ आता है, इंडियंस की बात है, नहीं नहीं इंडियन का नहीं आता, होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कोई भी, आपको ज्यादा लगाओ उनके साथ था फिर वहाँ पर क्योंकि वो आप मतलब अच्छा भी है, असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे वो सब दोस्त बन गए थे, हाँ तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, हाँ इंडियंस आर वेरी फ्रेंडली यार, क्या बात कर रहे हैं, छूत नहीं हुआ, क्यों छूत क्यों हुआ, अभी मेरा फोन घर पे रह गया मैं आपको दिखाता उसकी, तो मेरे को डेली काले आती भाई आप आओ हम आपको मिस कर रहे हैं, आई ट्रस्ट यू, उनमें कोई झूठ नहीं, ये आप किसी दुकानदार के पास चले जो मिलावट सब कुछ, एक मिसाल दीजिए आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए थोड़ा सा, इधर हो जाए कोई ऐसी वो 2 नंबर चीज नहीं देखी, 2 नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी, वो जैसे हम में है ना मुनाफ़त बड़ी भरी हुई उनमें नहीं है, जो जबान पे है वही दिल में है, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं इधर तो सब यही है। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर, क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर, मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज था उधर, मुसलमानों से ज्यादा, अभी ये दुबई है ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है, अभी ये कराची नजदीक है इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे, वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं इतनी लंबी, उनको मालूम है ना कि इनसे तो उनको फायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फायदा देंगे, ने बोला है कि उनमें ज्यादा ईमानदारी है तो जाहिर है वो हिंदू थे तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है तो क्या इंडियंस वहां पर उस, किस क्या क्या उनका आ रही है? देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की, जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहां पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं भीख मांगते हैं सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहां पर ऐसा, ना 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 कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा, आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना ये रमजान में, भारत में इंडिया में दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बताया है कि बहुत सारे पाकिस्तानी भारत इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एडवांस ट्रीटमेंट है जो बीमारियाँ होती हैं उनका वहाँ पर इलाज नहीं है, कैंसर जैसी बीमारियों का वहाँ पर कोई अच्छा इलाज नहीं है, भारत इसलिए लोग आते हैं क्योंकि यहाँ की भाषा समझ जाते हैं। अब ये चाचा रहते थे दुबई के अंदर और उनको वहाँ पर जो लोग स्टाफ मिला वो भी हिंदू मिला, तो इनके दिमाग के अंदर पहले जो पाकिस्तान के लोग सोचते हैं वही विचार इनके अंदर रहे होंगे, लेकिन जब हिंदुओं से मिलते हैं तो इनका पूरा सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है, आज इनके हिंदू जो दोस्त हैं वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ये कह रहे हैं कि भारत का जो हिंदू है वो पाकिस्तान से लाख गुना अच्छा है,
कभी चोरी चकारी नहीं करता, कभी उल्टे सीधे काम नहीं करता। इसी वजह से जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड रहती है, वहाँ पर उनको जॉब दी जाती है, इज्जत दी जाती है, जबकि पाकिस्तान के लोग वहाँ पर भीख मांगने काम करते हैं। एक किस्सा इन्होंने भी सुना दिया किस तरीके से इन्होंने भीख मांगने वाले को देखा। इसके अलावा जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता है कि हिंदू बुरे होते हैं, हिंदू जो है काफिर हैं, इनके साथ कभी दोस्ती नहीं कर सकते, वो सब टूटता नजर आता है। जब कोई पाकिस्तानी किसी हिंदू से मिलता है तो ये सारी चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। ऐसा मैंने एक और वीडियो आपको दिखाया था जिसमें एक व्यक्ति था पाकिस्तान का, वो हिंदू को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और एक दूसरा व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा था उनसे लड़ गया। उसने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, भारत के हिंदू जो हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ में रहा हूँ, जब पाकिस्तानियों ने मेरा साथ नहीं दिया था तब उन लोगों ने मेरा साथ दिया था, आप गलत बोल रहे हैं और यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं बिल्कुल गलत हैं। हिंदू अच्छे हैं, भारत का हर एक नागरिक अच्छा है, भारत का कोई भी व्यक्ति हो चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे कुछ भी काम करता हो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करता है, और वहाँ पर वो काम करने के लिए जाता है, चोरी चकारी और वहाँ पर जो लड़कियों को छेड़ने के लिए नहीं जाता है। इसी वजह से भारत के लोगों की डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे देश के जो लोग जाते हैं वही हमारे देश की इज्जत को बनाकर रखे हुए हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए यार, मेरा तो यही कहना है कि इंडियन लोग जो है ना वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो भी हमारी तरह ही लोग हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी ये अंकल थे, ये अंकल जो है वो दुबई के अंदर जब इन्होंने हिंदुओं को एक्सपीरियंस किया तो उनको पता चला नहीं यार इनके बारे में तो हमारे पॉलिटिशियंस और जो हमारा मीडिया था उन्होंने तो बड़ा कहा था ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो ऐसे है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बड़े फ्रेंडली है। तो फिर अंकल का नजरिया जो है वो चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि मतलब वो काफी एज के अंकल और मैं इस बात पे हैरान थी, वो कहते थे मुझे आपके मसाम भी नजर आए थे, इतना अच्छा उनकी आईज का जो है वो ऑपरेशन हुआ था और वो भी एक इंडियन डॉक्टर ने किया था। इंडियन डॉक्टर यार लास्ट टाइम लड़की का वो जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी किया था उन्होंने और फ्री किया था, ठीक है। उस वो गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, पाकिस्तान से उसको कोई हेल्प नहीं मिली, वो इंडिया गई, उन डॉक्टरों ने जो है वो फंड्स जनरेट किए उस बंदी के लिए, ठीक है, और उसका इलाज करवाया। मैं कहती हूँ सल्यूट है ऐसे इंडियन डॉक्टर्स को। और उसके बाद लोगों जो पाकिस्तानी वहां पे जाते हैं भीख मांगते हैं, ठीक है, चोरी चकारी करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, ब्ला ब्ला ड्रग्स वगैरह में, लेकिन वो कहते हैं इंडियन आज तक नहीं ऐसा मिला, बिकॉज इंडिया के अंदर मेजर गौरव आर्या की वीडियो देखी तो कहते हैं एजुकेशन है, इंडिया सारा एजुकेशन पे चलता है बस, क्योंकि एजुकेशन के अलावा वो कहते हैं इंडिया कैसे चले, एजुकेशन पे ही चल रहा है। एजुकेशन अच्छी होगी तभी आप बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, डिफरेंट और अच्छी पोस्ट के ऊपर जो है आज पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस है, पाकिस्तानी नहीं है, कोई इक्का दुक्का ही होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा इंडियंस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकस किया अपनी स्टडी के ऊपर और हमने फोकस बिल्कुल नहीं किया अपनी स्टडी के ऊपर। और अच्छी वीडियो थी, ऐसे पॉजिटिविटी वाली वीडियोज जो है ना मुझे ज्यादा सजेस्ट किया करें, क्योंकि ऐसे जो है ना इंडिया पाकिस्तान के लोगों के द्वारा आपस में जो क्लैशेस है वो दूर होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं वो तो कहते हैं पाकिस्तान के लोग अच्छा नहीं सोचते, इंडिया के लोग अच्छा नहीं सोचते। यार दोनों कंट्रीज के लोग ना आपस में सुलह सलामती के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, ये पॉलिटिशियंस जो है ना हमारे नई स्कूल से हमें रहना है। सोशल मीडिया ऐसा है कि मतलब छोटी सी बात होती है उसको बड़ा बना देते हैं, फिर आपस में जो है ना वो लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें फैलती है। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा, तो चलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।